सेंट आ जा। अरे थोड़ा ऊपर ले लो ना। किस में सा जा सेंट? उसको उठा लो ना। भी फिल्म में ही आएगा ना फिर भी। नहीं होगा। लो तो सही ऊपर तो उठाओ उसको। हाथ में ले लो ना हैंडल कर। अच्छा हाँ सही है। थैंक यू सर। कैमरे के आगे खड़े हो बोल रहे हैं उनको हाथ में ले लो। सीनियर नीचे बैठ जाना थोड़ा सा। राम जी आपके बिना मजा नहीं आएगा। पीछे थोड़ा सा ऑल ऑफ यू आर राइट। यस यस ऑल ऑफ यू राइट। सेंटर सेंटर सेंटर। एक 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 लेडी एक वैसा कुछ। हां वैसा वैसा हैनल हैनल नहीं है। हां यप। हां ये जोड़ी आग लगा देगी। लुक सेंटर यहां भी आप ऑल ऑफ यू। अच्छा क्विक क्वेश्चन, दांत पे लिपस्टिक है? नहीं है। नहीं नहीं है। हां हां इस लुक सेंटर एक बार सामने देखिए सारे। यस यहाँ पर नहीं नहीं ओके थैंक यू। अभी सोलो 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 मैम इधर ही बेटा यहाँ से कब। यस मैम लुक यार सुष्मिता मैम यहाँ सेंटर यार। सुष्मिता जी यहाँ पर नहीं देखा। सुष्मिता जी मेरे पास नहीं देखा आपने। अरे क्या बात है मैम, एक बार देखिए ना मेरे पास यहाँ पर। अरे कब से बोल रहे, थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहा है। Yes. मैम मेरा सेंटर। तेरे आँख का प्रॉब्लम है। मैम यहाँ पे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कैन वी डू वन पिक्चर ऑफ इला मैम एंड बोथ ऑफ यू? यही है लीड। मैम राइट। यस। योर सेंटर। मैम राइट। राइट राइट राइट। मैम ऑन योर लेफ्ट। या या या। गुड। मैम सेंटर। मैम यहाँ पर देखिए। क्या बात है। अरे यही यही जाएगा फ्रंट पे। यही 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 है फ्रंट पे जाता है। यही जाएगा। अरे अरे रुक फैमिली फोटो जाएगा। यही 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 अब बदल जाएगा। ये फैमिली की बिल्कुल नहीं बनती है एक्चुअली। आर्या में नहीं बनती है। कहाँ गए राम सर? क्या है इतना ऊपर? सोलह सोलह अरे दे दो। नहीं नहीं लेना है। मैडम मना कर दिया। ओके मैम थैंक यू। थैंक यू। ओके मैम थैंक यू। हम लोग सब सावधान में बैठ गए हैं। अभी आप करा दीजिए ना। हाँ बोल ऐसा करके। अब वक्त आ गया है बिल्कुल। देखिए आर्या को तो इतनी मोहब्बत मिली है सीज़न वन से लेकर अब तक कि सीज़न थ्री बनी इस वजह से क्योंकि आप लोगों को सीज़न वन और टू इतनी पसंद आई। हमारे लिए ये एक कहानी है सच्चाई की जो बहुत ईमानदारी से बताई गई है। बहुत एक्साइटमेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो होता है ना बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, वो चल रहा है अभी क्योंकि अब रिलीज़ आज रात को 12 बजे इट विल ड्रॉप एंड लोगों ने सही मायनों में 2 साल इंतज़ार किया है आर्या का। इसी से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करते हैं सीरीज से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी थ्रिल दैट हम इस बार पहली दफ़ा एज अ टीम आके आप सबसे बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये पिछले 2 साल में हुआ नहीं है। सो इट्स रियली नाइस वेरी एक्साइटेड। सर आप कितने एक्साइटेड हो क्योंकि ऑडियंस हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है देखने के लिए। आपका कुछ कहना चाहिए?
आप एक्साइटेड हैं तो फिर आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू. आई होप दैट यू लाइक इट. आई थिंक इट इज़ समथिंग विच वी आर वेरी एक्साइटेड बाय आवरसेल्व्स. हमने लगा के हमने जो सीजन 3 जो किया है इट इज़ फास्टर, इट इज़ स्पेसियर, इट इज़ मोर ड्रामेटिक. और इस टाइम पहले हमने देखा कि ट्रेलर में देखा कि आर्या किसी उसको किसी समरी शूट सर. सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन कि भाई किसने वो गोली चलाई. और इसमें से दो लोग तो यहाँ है जो चला सकते हैं, जो चला सकते हैं. सो वी आर होपिंग दैट यू विल आल्सो बी आस्किंग कि भाई किसने गोली चलाई. तो यहाँ विल सी. जी 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 आज आप क्या कहना चाहेंगे? एक्साइटमेंट. ये जो इतना जो प्यार मिला है मुझसे, हर व्यक्ति जो भी मिल रहा है वो यही कह रहा है आर्या में हो, अब आपकी लाइफ बन गई, आर्या में हो मेरी जिंदगी बन गई. सच में इतना प्यार, इतना आई मीन सीरीज इतनी हिट हो सकती है. मैं एक्साइटेड हूँ कि कल मुझे मालूम है कल क्या होने वाला है, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं. तो बस इंतज़ार है उन तक पहुँचने का. सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हो आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड. मतलब अब इसमें क्या बोले ही, जितना प्यार हमें मिला सीजन 1 सीजन 2 में, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है स्क्रिप्टिंग से लेके फिल्मिंग तक में कि हम पहले दो सीजन से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग, ज़्यादा एक्शन, ज़्यादा थ्रिल, ये सब आपको दें. और थोड़ी सी श्योरिटी है कि प्यार मिलेगा, वो आपने दिया है, क्यों नहीं देंगे, आगे भी देंगे. पर करें, आई मीन उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा, पहले दो सीजन से कम्बाइंड से भी ज़्यादा प्यार मिले. सुष्मिता जी, मेरे दो सवाल है आपसे. एक तो ये है कि प्रीवियसली आप ग्लैमर को रोमांस कर रही थी, नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द फैमिली. तो ये जो जर्नी है आपकी किस तरह देखती है? ग्लैमर हो कब रोमांस किया मैंने? नहीं, आई डोंट नो. आई मीन नहीं, मतलब मैं जानना चाहूंगी यू आर रोमांसिंग द गुड लुकिंग फेलो ऑन स्क्रीन. अच्छा, सो लाइक पहले? हां पहले. हां, अलग फिल्मों में, मतलब. हां, नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग द फैमिली. उस वक्त उतना ही स्कोप था एक्टिंग का. अब जब वो स्कोप बढ़ाकर हमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है, थैंक्स टू मिस्टर राम माधवानी, थैंक्स टू हॉटस्टार, थैंक्स टू द इंटायर टीम ऑफ आर्या, अब लगता है कि जो हुनर मुझे लगता था है, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रही थी, इनके सब की वजह से वो अब आपके सामने हाजिर है. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरा नाम आ रहा है. जी जी. आर्या has been exceptional for you. You have owned it, killed it, smashed it. And I love you. What's your name? Amar. Amar. Thank you. Lovely way to start the question. What do you think Arya has added to your filmography, which no other project managed to add? Oh, everything. It's everything. It's knowing that I have had an institution like Ram Madhvani teach me, not over 40 days of one film, but through 60 days of three seasons and more to come. So as an actor, I have grown. Have I got my best out there? Not yet. That I know I haven't. I have a lot to come. But that bhook bolta hai na, ek artist ki bhook hoti hai. He's revived that for me. Is given me actors to work with, जिनके सामने आपको preparation करके आनी होती है, नहीं तो आप खड़े नहीं हो सकते. He's given me the ability to confidently say that I can work in an author-backed role and pull it off. That I didn't have before. I had a hit song, many hit songs. I had hit films, but I never had an aria before this. So it's added a lot to my filmography. मैं साथ ही बात करूं, पहली बार हम लोग कोई खूबसूरत लेडी डॉन को देखने वाले हैं. ऐसा मत बोलिए, मैं खूबसूरत पहले सीजन में भी थी. ऐसा मत बोलिए जी. लेकिन लेडी डॉन खूबसूरत पहली बार देखेंगे हम जी. और साथ ही मैं बात करूं, आप कोई भी किरदार निभाते हो, चाहे ताली हो, चाहे आर्या हो जी, अपने आप को काफी ढाल लेते हो जी. मैं जानना चाहूंगा किस तरह की आपकी तैयारी रही आर्या के लिए. आर्या के लिए तो जैसे स्कूल जाके प्रिंसिपल होते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, ऐसी तैयारी होती है. क्योंकि हम वर्कशॉप्स करते हैं वहाँ पे सारे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ. हमारा जो एक नहीं, आई वाज वेटिंग फॉर द हैमर टू स्टॉप. जो एक कनेक्शन होता है
वही वो कनेक्शन हम उसे इतना नेचुरल बना देते हैं वर्कशॉप में कि तैयारी हम सेट पे जाके रिहर्सल अलाउड नहीं है हमारे सिस्टम में, तो हम जाकर रॉनेस के साथ परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी तैयारी वो पहले से, रिश्तों की तैयारी पहले से होती है. सो वो डेफिनेटली है, क्योंकि अभी हम सीज़न 3 में हैं तो वो तैयारी एकदम बेस से शुरू नहीं की जाती, क्योंकि वो सीज़न 1 में की थी. अब आगे के रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए तैयारी की जाती है. सो बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, सुन के बहुत अच्छा. सीजन में दो दो खूबसूरत डॉन है. अभी तो आपने देखा नहीं है, अभी आज रात को देखेंगे. जी देखिए, हर चीज़ में मेहनत तो रहती है, इजी नहीं हो जाता है, लेकिन तजुर्बा किसी चीज़ का हो तो उसे स्क्रीन पे दिखाना डेफिनेटली या इट हेल्प्स. बट हर एक माँ अलग होती है, उसकी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, उसकी हकीकत अलग होती है. अब जो आर्या की लाइफ है वो आई वुड नॉट विश इट ऑन एन एनिमी, लाइक इट्स अ वेरी पेनफुल लाइफ. तो उसमें जो हौसला आर्या दिखा रही हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो मुझे लगता है हर माँ में है. उस हद तक किसी को ना जाना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा माँ होना और वो भी एक सिंगल मदर होना, वो जिम्मेदारी को समझता है और उस जिम्मेदारी को फिर स्क्रीन पे दिखाना हेल्पफुल होता है डेफिनेटली. जी Sushmita, you're all over, all around the awards that you have recently had a wall and maybe keep winning. Thank you. I wanted to ask, as per you, I believe that the digital medium has redefined you as an actor. True. And your thoughts on the same. It's redefined the opportunities given to me as an actor, definitely. It has given me time to flesh out characters that I would otherwise have to show very quickly, and that's a different kind of method. But itna waqt aur logon ke gharon tak pahunchna, you can watch us anytime, anywhere, and not just here, globally, to be able to show your work all over the world. I'm a big fan of OTT, and I think kaam imandari se karo to platform koi bhi ho, it will reach people. आप कुछ पूछ रही थी इला जी से. इला जी, मतलब आपका जो किरदार रहा पहले फिल्मों से, पैरेलल सिनेमा, सॉफ्ट कैरेक्टर, वो आपकी खासियत रही, फिर गाना भी हुआ, तो नाउ यू आर कमिंग इन एन एग्रेसिव रोल, सो ये क्या कुछ सोच के आपने हाँ कहा? देखिए क्या होता है कि कलाकार भूखा होता है कि उसे अलग अलग किस्म के रोल मिले, और जब डायरेक्टर की आप में, आप उनका अगर आप में विश्वास हो, अगर वो ये मानते हो कि आप ये काम कर सकती हैं, तो अच्छा लगता है. एक जो चैलेंज इनके सामने खड़ा होना, और फिर एक दूसरी तरीके की, ये वैसे वाले डॉन नहीं कि पत्थर वत्थर मार रहे हैं, अंदर की जो ताकत है और उसको कैसे इन्होंने संभाल के किस संयम से काम करूं, तो बहुत अच्छा लगा. क्योंकि कोई भी कलाकार कुछ भी कर सकता है, पर जैसे कहते हैं कुम्हार जो होता है वो शेप देता है, तो मैं तो अपने निर्देशक को मैं पूरी पूरी उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और उस तरीके से मोल्ड किया, तो आसान हो गया. नहीं तो क्या था, टाइप कास्ट होने का डर होता है. मी कोई भी औरत नहीं होती, उसे बनाया जाता है. तो ये बात है ना, बिल्कुल ये बात. और जब इन्होंने मुझे दहाड़ने का मौका दिया इनके सामने, तो फिर ये मौका बड़ा अच्छा था. और जो आर्या की हालत हुई है उस दहाड़ से, वो आप जरूर देखिएगा आज रात को. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. This is so much fun.